नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 8, आदर्श शासक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो लेसन है पूरा, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके ऑर्गेनाइजेशन स्किल के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पैराग्राफ इसमें क्या दिया है, स्वराज्य की स्थापना होने से पूर्व महाराष्ट्र पर आदिलशाही, सिद्धी, पुर्तगाली और मुगल सत्ताओं का प्रभाव था। देखिए स्वराज्य की स्थापना से पहले क्या था कि जो पूर्व महाराष्ट्र था ना, वहाँ पर आदिलशाही, सिद्धी और पुर्तगाली मुगल सत्ताओं का क्या था, प्रभाव था, ठीक है। शिवाजी महाराज ने इन सत्ताओं के विरुद्ध संघर्ष किया, और शिवाजी महाराज ने इनके विरुद्ध बहुत ही संघर्ष किया, मतलब इन्होंने इनको हटाने का बहुत ही प्रयास किया, ठीक है। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और स्वतंत्र तथा प्रभुता संपन्न स्वराज्य की स्थापना की। और उन्होंने कई सारी परिस्थितियों का सामना किया, मतलब जितनी भी कठिनाइयाँ आती गई उन्होंने उन सब का सामना किया, और फिर अंत में क्या हुआ, उन्होंने स्वतंत्र तथा प्रभुता संपन्न स्वराज्य की स्थापना की, ठीक है। फिर उन्होंने स्वराज के प्रशासन को व्यवस्थित रूप दिया और स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि स्वराज्य के प्रशासन को व्यवस्थित रूप दिया, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल सके, शासन अच्छे से हो, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने प्रयास किया और स्वराज्य को किस में बदल दिया, सुराज्य में परिवर्तित किया, ठीक है। फिर क्या होता है, शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता और कार्य से नई व्यवस्था का निर्माण किया। और शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता, मतलब आप सभी को पता है कि शिवाजी महाराज कितने वीर थे, है ना, और उनके काम भी बहुत ही अच्छे होते थे, तो इससे उन्होंने नई व्यवस्था का निर्माण किया। स्वराज की स्थापना करने के कार्य में संघर्ष करते हुए उन्होंने स्वयं कई बार खतरे उठाए और स्वराज की स्थापना करने के कार्य में उन्होंने कई बार, मतलब अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और उन्होंने कोई भी खतरा आता था तो उसको उठा लेते थे, मतलब वो कभी डरे नहीं कि हाँ मेरी इसमें जान चली जाएगी, ऐसा वो कभी भी नहीं डरे। अफजल खान से मिलने जाने की घटना हो अथवा पन्हाला गढ़ का घेरा, सहिस्ता खान पर किया गया धावा हो अथवा आगरा से छूटकर आना, ये सभी घटनाएं खतरों से परिपूर्ण थी। देखिए अभी ये जो घटनाएं हैं, जैसे अफजल खान से मिलने की जाने की घटना हो या फिर पन्हालागढ़ का घेरा, ठीक है, सहिस्ता खान पर किया गया धावा हो या फिर आगरा से छूटकर आना, ये सभी घटनाएं कैसी थी, खतरे से भरी हुई थी। शिवाजी महाराज ने इन सभी घटनाओं पर सफलतापूर्वक विजय पाई और इनमें से वे सकुशल निकल आए। और ये जो सभी घटनाएं थी, इन सभी में जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने क्या पाई, विजय पाई, ठीक है, मतलब कुछ भी वो काम करने गए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो हार करके लौटे, वो हर जगह से जीत कर ही वापस आए, ठीक है, सकुशल मतलब अच्छे से निकल आए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, संगठन कौशल। तो अभी संगठन कौशल का मतलब क्या होता है, जैसे संगठन कैसे बनाना है, इसका कौशल मतलब इसका ज्ञान होना, ठीक है, पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य अभियान के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया, उनके पास विलक्षण संगठन कौशल था। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने स्वराज्य के अभियान के लिए जो उनके आसपास लोग थे ना उनको प्रेरित किया, मतलब उनको मोटिवेट किया, ठीक है, उनके पास क्या था, विलक्षण संगठन कौशल था, मतलब उनके पास बहुत ही अच्छा संगठन कौशल था जो किसी के पास भी नहीं था, मतलब उनके पास ऐसा कौशल था, ऐसी स्किल थी कि वो लोगों को अपने साथ ला सकते थे, ठीक है, उनको मोटिवेट कर सकते थे। इसी कौशल के बल पर उन्होंने वीर और प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, और जो इनके पास ये कौशल था, ये जो स्किल थी, इसी के बल पर उन्होंने वीर और प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया। स्वराज्य के अभियान में उनके इन्हीं सहयोगियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, ठीक है, मतलब जो इनके सहयोगी थे जिनको इन्होंने इकट्ठा किया था, उन्होंने जब
जब भी जरूरत पड़ती तो वो अपने जान जान की परवाह नहीं करते थे, ठीक है, बिना अपने प्राणों की परवाह किए अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, मतलब अपने कर्तव्यों का वो पालन करते थे, अपने प्राणों की चिंता नहीं करते थे। अफजल खान के साथ हुई भेंट की घटना में अति विकट क्षण में बड़ा सईद की सईद को मौत के घाट उतारने वाला जीवा महाला, देखिए जीवा महाला कौन थे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अफजल खान के साथ हुई भेंट की घटना, ठीक है, जब अफजल खान से जो शिवाजी महाराज थे मिलने वाले थे तब वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्या था, खतरा था, ठीक है, तभी जो जीवा महाला थे उन्होंने क्या किया था, बड़ा सैयद को मौत के घाट उतारा था, मतलब उसको मार दिया था, ठीक है। पन्हाला गढ़ का घेरा तोड़कर जाते समय शिवाजी महाराज की भूमिका निभाने वाला शिवा काशिद जो था वो जो पन्हालागढ़ का घेरा था उसको तोड़कर किसने शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई थी, शिवा काशिद ने निभाई थी, ठीक है। और विशालगढ़ की ओर बढ़ते जा रहे शिवाजी महाराज का पीछा करने वाले शत्रु का रास्ता रोकने वाला बाजी प्रभु देशपांडे, और बाजी प्रभु देशपांडे कौन था, जो विशालगढ़ की तरफ जो शत्रु बढ़ रहे थे शिवाजी महाराज का पीछा करने वाले, ठीक है, उनको बीच में रोकने वाला कौन था, बाजी प्रभु देशपांडे, ठीक है। फिर पुरंदर किले के लिए युद्ध करने वाला मुरार बाजी देशपांडे, और पुरंदर किले के लिए युद्ध करने वाला कौन था, मुरार बाजी देशपांडे, ठीक है। सिंहगढ़ को जीतने के लिए वीरगति पाने वाला तानाजू मालूसरे, और ये इसमें क्या दिया है कि जो तानाजी मालूसरे थे वो क्या हुए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, कैसे, देखिए सिंहगढ़ को जीतने के लिए, मतलब उन्होंने उसके लिए लड़ाई की थी कि सिंहगढ़ को हम जीत लें, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, मतलब वो वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। आगरा से छूटकर निकल आने की घटना में बहुत बड़ा खतरा उठाने वाला हिरोजी फरजंद और मदारी मेहतर आदि अनेक लोगों के उदाहरण स्वराज्य निर्माण के अभियान में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो भी नाम लिखे हैं, जैसे मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये देखिए जब अफजल खान से भेंट की घटना हुई थी तब वहाँ पे भी बहुत बड़ा संकट था, लेकिन उस टाइम पे जो कौन थे, जीवा महाला, उन्होंने बड़ा सैयद को मौत के घाट उतारा था, ठीक है। फिर क्या हुआ था, पन्हालागढ़ का घेरा तोड़कर जाते समय शिवाजी महाराज की भूमिका किसने निभाई थी, शिवा काशिद ने निभाई थी, और जब विशालगढ़ की ओर महाराज शिवाजी महाराज का पीछा करते हुए जब शत्रु बढ़ रहे थे तो उनका रास्ता किसने रोका था, बाजी प्रभु देशपांडे ने रोका था। फिर पुरंदर किले के लिए किसने युद्ध किया था, मुरार बाजी देशपांडे ने, और सिंहगढ़ को जीतने के लिए जो वीरगति पाने वाले थे कौन थे, तानाजू मालूसरे। और जब शिवाजी महाराज आगरा से छूटकर बाहर मतलब निकल रहे थे तो उनकी मदद करने वाले कौन थे, वहाँ पर बड़ा खतरा उठाने वाले कौन थे, देखिए हीरोजी फरजंद और मदारी मेहतर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक उदाहरण है, स्वराज्य निर्माण के अभियान में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, देखिए शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों का बहुत ध्यान रखते थे, और शिवाजी महाराज बहुत ही अच्छे क्या थे, मित्र भी थे, मतलब जो भी उनके सहयोगी थे ना वो उनका बहुत ही ध्यान रखते थे। जैसे स्वराज्य स्थापना के कार्य में कन्होजी जेदे उनके साथ आरंभिक समय से थे, मतलब स्वराज्य निर्माण का जो कार्य था, ठीक है, उसमें जो कान्होजी जेदे थे वो उनके साथ आरंभिक मतलब प्रारंभ से ही थे, शुरू से ही उनके साथ थे, और वृद्धावस्था में क्या हुए, वो बीमार हुए, ठीक है। उस समय शिवाजी महाराज ने उनसे क्या कहा, देखिए उपचार करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, मतलब दवाइयाँ लेने में आप कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, ठीक है। फिर अभी हम आगे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगला क्या है, प्रजा के प्रति जागरूकता। तो देखिए जो शिवाजी महाराज थे ना वो अपने प्रजा के प्रति बहुत जागरूक थे, मतलब अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, ऐसा नहीं होता था कि वो बस अपने बारे में सोचते थे, बाकी जो राजा थे जैसे अफजल खान या फिर और भी जो मुगल पावर्स थे, ठीक है, वो बस अपने बारे में सोचते थे, लेकिन जो शिवाजी महाराज थे वो अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, स्वराज्य स्थापना के कार्य में शिवाजी महाराज का शत्रुओं के साथ संघर्ष चल रहा था, शत्रुओं के आक्रमण से प्रजा त्रस्त होती जाती थी। देखिए जब स्वराज्य स्थापना का कार्य चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे
जो शिवाजी महाराज थे तो उनका शत्रुओं के साथ क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, है ना। क्योंकि शिवाजी महाराज क्या चाहते थे कि स्वराज्य की स्थापना हो, शत्रुओं के आक्रमणों से प्रजा त्रस्त हो जाती थी, और जब शत्रु आक्रमण करते थे तो जो प्रजा थी वो त्रस्त मतलब एकदम परेशान हो जाती थी, ठीक है। उस समय वे अपनी प्रजा का अधिकाधिक ध्यान रखने का प्रयास करते, और उस समय जो शिवाजी महाराज थे वो क्या सोचते थे कि जो हमारी प्रजा है उनको कोई भी दुख तकलीफ ना हो, उनका ध्यान रखने का वो प्रयास करते थे। शाइस्ता खान पर धावा बोलते समय उन्होंने रोहिर घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करने हेतु चेतावनी दी थी। देखिए, जब शाइस्ता खान पर धावा बोलते समय उन्होंने क्या किया था, रोहिर घाटी के जो देशमुख थे, ठीक है, उनको क्या बोला था, अपने कर्तव्य पूर्ण करने के लिए उनको चेतावनी दी थी, ठीक है। फिर उन्होंने देशमुख से कहा कि वह गांव-गांव घूमकर लोगों को घाट के नीचे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहें। मतलब उन्होंने देशमुख से क्या कहा था कि आप क्या करो कि गांव-गांव जाओ और लोगों को क्या बोलो कि घाट के नीचे वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस कार्य में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने एकदम कड़े मतलब एकदम कड़े शब्दों में कहा, जैसे गुस्से से कहते हैं ना वैसे, कि इस कार्य में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत जाओ और लोगों को बोलो, ठीक है। आगे वे यह भी चेतावनी देते हैं, क्या देते हैं, यदि प्रजा का ध्यान रखा नहीं गया तो मुगल सेना आएगी, लोगों को बंदी बनाएगी और वह पाप तुम्हारे सिर पर होगा। देखिए, और फिर बाद में वो क्या कहते थे कि यदि प्रजा का ध्यान अच्छे से नहीं रखा गया तो फिर जो मुगल सेना है वो आएगी और लोगों को क्या करेगी, बंदी बनाएगी, और वह पाप तुम्हारे सिर पर होगा। फिर शिवाजी महाराज इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनके सैनिकों से प्रजा को कष्ट ना पहुंचे, और जो शिवाजी महाराज थे वे इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनके सैनिकों की वजह से जो हमारी प्रजा है उनको कोई भी कष्ट ना पहुंचे। अब हम आगे पढ़ेंगे सेना विषयक नीति। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे इनकी सेना विषयक नीति क्या थी, यहाँ पर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, शिवाजी महाराज की सेना में कठोर अनुशासन था, वे इस बात का ध्यान रखते थे कि सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन मिले। देखिए, जो शिवाजी महाराज की सेना थी ना उसमें क्या था, कठोर अनुशासन था। अभी अनुशासन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन, ठीक है। मतलब जैसे हमारे स्कूल में होता है ना अनुशासन, अनुशासन में रहना है, मस्ती नहीं करनी है, तो ऐसे ही जो शिवाजी महाराज की सेना थी उनमें क्या था, कठोर अनुशासन था। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन मिले। मतलब वो हमेशा इसका ध्यान रखते थे कि जो वेतन है मतलब महीने में मिलता है ना सैलरी, वो सैनिकों को निश्चित समय पर मिले। उन्होंने सैनिकों को नकद वेतन देने का प्रबंध किया, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने कौन सा प्रबंध किया था कि सैनिकों को नकद वेतन दिया जाए, ठीक है। फिर मध्यकालीन भारत में अनेक राज्य शासनों और अन्य क्षेत्रों में सैनिकों को नकद वेतन के बदले जागीर देने की पद्धति थी, लेकिन मध्यकालीन भारत में जो अनेक राज्य शासन थे ना, मतलब जो पहले जो थे, ठीक है, उसमें नगद वेतन नहीं मिलता था, उसके बदले क्या देते थे, जागीर देते थे, ठीक है। शिवाजी महाराज ने इस पद्धति को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया। जब शत्रु प्रदेश में उनके अभियान चलाए जाते तो सेना को चेतावनी दी जाती कि इस अभियान में उन्हें जो कुछ मिलेगा वह सरकारी कोष में जमा करें। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, कि जब शत्रु प्रदेश में उनके अभियान चलाए जाते तो सेना को चेतावनी दी जाती। क्या चेतावनी दी जाती, कि इस अभियान में उन्हें जो कुछ मिलेगा वह सरकारी कोष में जमा करें, ठीक है। अभियान में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया जाता, और जो पराक्रम दिखाते थे, ठीक है, मतलब जो अपना
पराक्रम दिखाते थे उन सैनिकों को क्या किया जाता, सम्मानित किया जाता। ठीक है, युद्ध में जो सैनिक वीरगति प्राप्त करते उनके परिवार के भरण पोषण का वे ध्यान रखते, और युद्ध में जो भी सैनिक वीरगति को प्राप्त होते थे उनके भरण पोषण का कौन ध्यान रखते थे, वे ही ध्यान रखते थे। युद्ध में शरण आए हुए शत्रु सैनिकों अथवा बंदी सैनिकों के साथ सद्व्यवहार करते, और युद्ध में जो भी शरण आते थे, ठीक है, मतलब जो बोल देते थे कि हम हार गए, तो वो जो सैनिक थे, ठीक है, या फिर जो बंदी सैनिक थे उनके साथ वो सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार करते थे, बुरा व्यवहार नहीं करते थे। मतलब वो ये नहीं सोचते थे कि ये हमारे शत्रु के सैनिक है तो इनके साथ बुरा व्यवहार करो, वो सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, सहिष्णु आचरण। तो इसमें क्या है, देखिए शिवाजी महाराज को आदिल शाह, मुगल और सिद्दी जैसे शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ा। वे इस्लामी सत्ताएं थी, उनके साथ युद्ध करते समय शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में रहने वाले मुस्लिमों को अपना प्रजाजन माना। अफजल खान से भेंट करते समय उनके सैनिकों में सिद्दी इब्राहिम नाम का विश्वसनीय सेवक था। सिद्दी हिलाल शिवाजी महाराज की सेना का सरदार था और दौलत खान स्वराज की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी था। अब देखिए सहिष्णु आचरण, इसमें क्या है कि जो शिवाजी महाराज थे, ठीक है, उनको ये जो राजा थे आदिल शाह, मुगल और सिद्दी, ये जो शत्रु थे ना, इनके साथ उनको क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, ये सभी क्या थी, इस्लामी सत्ताएं थी। उनके साथ युद्ध करते समय शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में रहने वाले मुस्लिमों को अपना प्रजाजन माना, और जब वो उनके साथ युद्ध कर रहे थे, ठीक है, तभी शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य में रहने वाले जो भी मुस्लिम थे उनको क्या माना, अपना प्रजाजन माना। अफजल खान से भेंट करते समय उनके सैनिकों में कौन थे, सिद्दी इब्राहिम नाम का क्या था, एक विश्वसनीय सेवक था, और सिद्दी हिलाल शिवाजी महाराज की सेना का सरदार था। ठीक है, और जो सिद्दी हिलाल था वो क्या था, शिवाजी महाराज की सेना का सरदार था, और दौलत खान क्या था, स्वराज की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी था। ठीक है, फिर शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति सहिष्णु थी। ठीक है, शत्रु के किसी प्रदेश को जीतने पर उस प्रदेश में मुस्लिम धार्मिक स्थानों को मिलने वाली सुविधाएं वे वैसे ही जारी रखते। अभी यहाँ पे आगे क्या दिया है कि जो शिवाजी महाराज थे उनकी जो धार्मिक नीति थी वो क्या थी, सहिष्णु थी, और शत्रु के किसी प्रदेश को जीतने पर, जब वो किसी शत्रु के किसी प्रदेश को जीत लेते थे तब उस प्रदेश में मुस्लिम धार्मिक स्थानों को मिलने वाली सुविधाएं वे वैसी ही जारी रखते थे। ठीक है, उनमें कभी भी भेदभाव नहीं करते थे, ऐसा नहीं होता था कि जो धार्मिक स्थान है उनको हटा दिया जाए। ठीक है, वो वैसे ही जारी रखते थे, जैसे पहले होती थी वैसे ही अभी भी होती थी। ठीक है, उनके सहिष्णुता पूर्ण धार्मिक नीति के संबंध में इतिहासकार काफी खान लिखता है, शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों के लिए कड़ा नियम बनाया था कि अभियान में किसी भी मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और जो बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है कौन, काफी खान, वो क्या लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों के लिए क्या बनाया था, एक कड़ा नियम बनाया था कि अभियान में अगर कोई भी मस्जिद आता है, ठीक है, तो उनको वो लोग क्षति नहीं पहुंचाएंगे, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, कुरान की प्रति हाथ लगने पर उसे श्रद्धा भाव से किसी मुस्लिम व्यक्ति को सौंप देंगे, और अगर उनके हाथों कुरान लग जाता है, उसकी कोई प्रति लग जाती है, तो फिर उसे क्या करेंगे, वो श्रद्धा भाव से जो भी मुस्लिम व्यक्ति है उसको सौंप देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता की प्रेरणा। तो चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए जो प्रयास किए उन प्रयासों का अपना अलग मूल्य है, और वह मूल्य स्वतंत्रता का मूल्य है। देखिए शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य के लिए जितने भी प्रयास किए उन प्रयासों का क्या है, अपना अलग ही मूल्य है, मतलब वो सभी क्या है, अमूल्य है। उन्होंने किस लिए इतने सारे जो भी संघर्ष किए, इतने सारे प्रयास किए, बस वो उन्हीं के लिए नहीं था, वो सभी के लिए था, क्योंकि स्वराज्य मिलेगा तो सभी को मिलेगा ना, ऐसा नहीं कि बस उनके लिए ही होगा। ठीक है, इस मूल्य का उद्देश्य किसी अन्य सत्ता के प्रभुत्व को स्वीकार न करते हुए अपना स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न
अस्तित्व बनाए रखना है। और ये जो मूल्य है, ठीक है, ये जो मूल्य है ये क्या है कि हम किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब ये हमारा देश है, हम यहाँ पे अपना राज चलाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला आके हमारे ऊपर शासन करेगा, ठीक है। हम अपने अस्तित्व को खोने नहीं देंगे, मतलब हम अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। विदेशी और अन्यायी सत्ताओं से संघर्ष करते हुए शिवाजी महाराज ने दूसरों को भी स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। और विदेशी और अन्यायी सत्ताओं, मतलब विदेशी और जो भी अन्य सत्ता थे उनसे उन्होंने संघर्ष करते हुए, जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने दूसरों को भी किसकी प्रेरणा दी, स्वतंत्रता की प्रेरणा दी कि स्वतंत्रता हमारा क्या है, अधिकार है, ठीक है। अगर हमारा देश है तो यहाँ पे जो शासन है वो भी किसका चलना चाहिए, हमारा ही चलना चाहिए। मुगलों की सेवा में रत छत्रसाल जब शिवाजी महाराज से मिला तब उन्होंने उसे बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य निर्माण करने की प्रेरणा दी। और जो मुगलों की सेवा में रत कौन था, छत्रसाल, जब वो शिवाजी से मिला, ठीक है, तब उन्होंने उससे क्या कहा कि बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य निर्माण करने की प्रेरणा दी। मतलब उन्होंने उससे कहा कि तुम क्या करो, बुंदेलखंड में अपना एक स्वतंत्र राज्य क्या करो, निर्माण करो, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज के कार्यों की महानता। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं के साथ क्या किया, संघर्ष किया, और फिर उन्होंने स्वराज की स्थापना की। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि स्वराज की स्थापना ऐसे ही नहीं हो गई, उन्होंने बहुत मेहनत की उसके लिए, अपने शत्रुओं से लड़ाई की, उनके साथ युद्ध किया, तब जाके स्वराज स्थापित हो पाया। तो जो इनका ये कार्य है उनके युग प्रवर्तकत्व को सिद्ध करता है। मतलब वो क्या है, युग, जैसे युग परिवर्तन होता है ना, वैसे ही वो क्या है, जैसे युग प्रवर्तक के रूप में काम किया उन्होंने, ठीक है। मतलब यहाँ पे यही दिया है कि ये जो कार्य है उनके युग प्रवर्तकत्व को सिद्ध करता है, ठीक है। इस कार्य के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व में अन्य दूसरे अनेक सद्गुणों का कोष भी पाया जाता है। और ये जो कार्य थे इनके अतिरिक्त जो उनका व्यक्तित्व है ना, उनमें और भी जो सद्गुण हैं वो सभी भी इनमें पाए जाते हैं। किस में, छत्रपति शिवाजी महाराज में, ठीक है। फिर शिवाजी महाराज क्या थे, अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने अनेक विद्याएं आत्मसात की थी। मतलब जो शिवाजी महाराज थे वो क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, उनके पास बहुत ही बुद्धि थी, ठीक है। उन्होंने कई सारी विद्याएं क्या थी, आत्मसात। अभी आत्मसात का मतलब क्या हुआ, मतलब उन्होंने कई सारी विद्याएं क्या की थी, ग्रहण की थी, ठीक है। उन्हें कई भाषाएं और लिपियां अवगत थी, और उन्हें कई भाषाएं आती थी, और उन्हें लिखना भी आता था, ठीक है। मतलब वो भाषाएं जानते भी थे और उनको लिखना भी जानते थे, ठीक है। माता पिता द्वारा किए गए स्वराज स्थापना और नैतिकता के संस्कार उनके मन की गहराई में जड़ जमाए हुए थे। और जो माता पिता द्वारा किए गए जो स्वराज स्थापना और जो नैतिकता के संस्कार थे उनके मन की गहराई में क्या जमाए हुए थे, जड़ जमाए हुए थे। उनके व्यक्तित्व में चारित्र्य और बलशील और वीरता का सुंदर समन्वय हुआ था, ठीक है। मतलब जो उनका व्यक्तित्व, चरित्र और बल था, ठीक है। जैसे कोई इंसान होता है ना, उसका चरित्र बहुत ही अच्छा होता है, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी अच्छे अच्छे सद्गुण थे ये सभी किस में थे, छत्रपति शिवाजी महाराज में थे, ठीक है। उनमें नेतृत्व, प्रबंधन, दूरदर्शिता, राजनीतिक कुटता, नागरिक और सैनिकी प्रशासन से संबंधित नीति, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा, सभी के साथ समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति, आगामी बातों का ढांचा बनाने का नियोजन, नियोजित बातों को पूर्ण करने का कौशल, संकट में अड़िग रहते हुए ऊपर उठने का निश्चय, सदैव जागरूक रहने की सजगता आदि असंख्य गुण थे। अभी ये जो शिवाजी महाराज थे, ठीक है, इनमें कौन कौन से गुण थे, यहाँ पर इतना जो हमने पढ़ा ना यहाँ से यहाँ तक, ये सभी क्या है, शिवाजी महाराज के गुण थे, ठीक है। कौन कौन से थे, नेतृत्व, मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी का नेतृत्व करना, जैसे हमारे टीचर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें देखते हैं कि कोई बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। फिर प्रबंधन, मतलब कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, प्रबंध करना होता है ना। फिर दूरदर्शिता, मतलब दूर के बारे में सोचना, ठीक है। फिर राजनीतिक कुटता
और नागरिक और सैनिकी प्रशासन से संबंधित नीति, ठीक है, और सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा, सभी के साथ क्या करना, समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति, और आगामी बातों का ढांचा बनाने का नियोजन, नियोजित बातों को पूर्ण करने का कौशल, मतलब जो भी आगामी आने वाले जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में क्या करना, उसका ढांचा बनाना, ठीक है, और जो भी ढांचा बनाया हुआ है उसको पूर्ण करना है, ऐसा नहीं कि बस बना करके छोड़ देना, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, फिर एक दो दिन तो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि फिर हम वही रोज के जैसा ही हो जाते हैं, लेकिन ये जो शिवाजी महाराज थे वो ऐसे नहीं थे, जो भी वो ढांचा बनाते थे उसको पूर्ण करने का उनके पास कौशल भी था, ठीक है, संकट में अटिक रहते हुए ऊपर उठने का निश्चय, ठीक है, संकट के समय भी वो डरते नहीं थे, हार नहीं मानते थे, और सदैव जागरूक रहने की सजगता, ये सभी असंख्य गुण थे, किन में, छत्रपति शिवाजी महाराज में। चलिए फिर आगे क्या है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को वे कठोर दंड देते, प्रजा के किसान कारीगर सैनिक व्यापारी जैसे सभी वर्गों का वे ध्यान रखते, अपने धर्म के लोगों की भांति वे अन्य धर्मों के लोगों के प्रति भेदभाव न करते हुए उनका आदर करते थे। देखिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, कोई भी हो, अगर कोई स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता था तो वो उसको क्या देते थे, कठोर से कठोर दंड देते थे, और जो प्रजा के किसान थे, कारीगर थे या फिर सैनिक व्यापारी, ये सभी थे, ठीक है, वे सभी वर्गों का क्या रखते थे, ध्यान रखते थे, मतलब वो हमेशा ये प्रयास करते थे कि इनको किसी भी बात की तकलीफ ना हो, ठीक है, और अपने धर्म के ही तरह वो दूसरे लोगों के दूसरे जो लोग थे, मतलब अपने धर्म की ही तरह जो दूसरे धर्मों के लोग थे उनके साथ वो भेदभाव नहीं करते थे, जैसे वे अपने धर्म के लोगों को मानते थे वैसे ही जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको भी वो मानते थे, ठीक है, दूसरे धर्म में चले गए लोगों को पुनः अपने धर्म में स्वीकार करने का जिस समय में कड़ा विरोध किया जाता था उस समय उन्होंने धर्मांतरित लोगों को अपने धर्म में ले लिया, मतलब उस टाइम पे क्या था कि अगर किसी ने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया तो फिर वो अपने धर्म में जब आता था तो उसका कड़ा विरोध किया जाता था, लेकिन फिर भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो धर्मांतरित लोग थे, उन्होंने उनको क्या किया, अपने धर्म में ले लिया, ठीक है, समय पड़ने पर उनसे स्वयं का रिश्ता जोड़ा, और जब भी समय पड़ी तब उन्होंने क्या किया, उनसे अपना रिश्ता जोड़ा, ठीक है, धार्मिक कारणों से समुद्री यात्रा को विरोध किया जाता था, ऐसे समय उन्होंने सिंधु दुर्ग जैसे जल दुर्ग का निर्माण करवाया और नौसेना का गठन किया, और देखिए उस टाइम पे क्या था कि जो समुद्री यात्रा थी उसका क्या किया जाता था, विरोध किया जाता था, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने क्या किया कि जल दुर्ग का निर्माण करवाया और नौसेना का गठन किया, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए समुद्री मार्ग द्वारा होने वाले बाहरी आक्रमणों से वे परिचित थे और उसका उपाय भी उन्होंने सोच रखा था, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्हें पता था कि समुद्र के रास्ते बाहरी आक्रमण होते थे और उन्होंने इन सभी का क्या सोच रखा था, उपाय भी सोच रखा था कि इनका कैसे मुकाबला किया जा सकता है, ठीक है, वे राज्याभिषेक करवा कर स्वराज्य के विधिवत नरेश बने, और जो शिवाजी महाराज थे, देखिए किसी को भी अगर राजा बनना रहता है तो उनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज क्या हुए, राज्याभिषेक करवा करके वो क्या बने, विधिवत राजा बने, ठीक है, इस राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने धार्मिक दृष्टि से भिन्न विधि द्वारा दूसरा राज्याभिषेक करवाया, और ये जो राज्याभिषेक हुआ उसके बाद उन्होंने धार्मिक दृष्टि से दूसरे विधि द्वारा क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया, उनसे ये सभी कार्य धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा की गई क्रांतिकारिता को दर्शाते हैं, ठीक है, चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, जब जब स्वराज्य पर प्राणघाती संकट आए, मतलब जब जब स्वराज्य पर प्राणघाती मतलब प्राणों को हरने वाले ऐसे संकट आए, तब तब सहयोगियों के बदले अथवा उनके साथ स्वराज्य के लिए वे अपने प्राण को अर्पित करने के लिए तत्पर रहते थे, मतलब वो अपने प्राणों की चिंता नहीं करते थे, जब भी
कोई भी संकट आता था स्वराज्य पर तो वो हमेशा तैयार रहते थे वे और उनके साथी, परंतु उनकी महानता केवल ऐसे विकट संकटों का धैर्य और निर्भीकता से सामना करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे नैतिकता और गुणवत्ता को स्वराज्य की आधारशिला बनाना चाहते थे। मतलब जो उनकी महानता है ये बस यहीं तक सीमित नहीं है कि वो कैसे संकटों का सामना करते थे, कैसे धीरज रखते थे, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नैतिकता और गुणवत्ता को स्वराज्य की क्या मानते थे, आधारशिला मानते थे। अतः महत्वपूर्ण बातों की तरह छोटी छोटी बातों के बारे में भी उन्होंने संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक वे उचित आदेश दे रखे थे। ठीक है, सैनिक किसान के खेत में सब्जी भी जबरदस्ती नहीं ले सकते, इस प्रकार का आदेश इस दृष्टि से आदर्श ही है। पेड़ काटने पर लगाए गए प्रतिबंध भी अपना महत्व दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों से आपको पता चलता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो कितने महान राजा थे। किले का कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, उसे मकान के पिछवाड़े वाले बगीचे अथवा क्यारियों में जलाएं और उसकी राख पर सब्जी उगाएं, यह उनका आदेश था। और उनका क्या आदेश था कि जो भी कूड़ा कचरा है उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ पर फेंकना है, उसे मकान के पिछवाड़े वाले बगीचे में या फिर क्यारियों में क्या करें, जलाएं। और जो उसकी राख है ना उसका इस्तेमाल किस में करें, खाद के लिए। जैसे सब्जी उगाते हैं तो हमें उसमें खाद डालना पड़ता है खेत में, तभी तो वहाँ पे सब्जी उगती है ना, तो उसकी राख जो है वो कैसे उपयोग में लाए, सब्जियाँ उगाने के लिए उसका यूज़ करें। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वराज्य का निर्माण करते समय वे छोटी छोटी बातों की ओर कितना ध्यान देते थे। वे केवल योद्धा ही नहीं थे अपितु एक नवीन स्वतंत्र नीतिवान और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने वाले क्या थे, शिल्पकार थे। ठीक है, उनकी महानता सर्वांगीण है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शिवाजी महाराज महान प्रेरणा स्थान थे। मतलब जो हमारा राष्ट्रीय क्या था, आंदोलन था, उसमें शिवाजी महाराज कौन थे, महान प्रेरणा। प्रेरणा मतलब क्या होता है, जैसे किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, तो वो क्या थे, महान प्रेरणा स्थान थे। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फूले ने समता के संघर्ष में पुवाड़ा द्वारा शिवाजी महाराज की महानता का बखान किया है। और कौन थे ये महात्मा ज्योतिराव फूले, उन्होंने क्या किया है, जो समता के संघर्ष में पुवाड़ा है ना, उसके द्वारा उन्होंने शिवाजी महाराज की महानता का बखान किया है। तो देखते हैं क्या ये वही पुवाड़ा है। देखिए, महात्मा ज्योतिराव फूले ने ईस्वी सन 1869 में छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक पुवाड़ा रचा, उसका कुछ अंश यहाँ पर दिया हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ते हैं हम इसको। शिवाचा गजर जय नामाचा झेंडा रोविला, क्षेत्र्याचा मेढा मावड्याचा शिकार खेडरा, माते पायी ठेवी डोई गर्व नाही काडीचा, आशीर्वाद घेई आईचा आलाबला घेई आवडता होतो जीजीचा, पवाडा गातो शिवाजीचा कुडवाडी भूषण पवाडा गातो भोसल्याचा छत्रपती शिवाजीचा। ठीक है, तो ये है पवाडा जिसको किसने लिखा था, महात्मा ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय जागृति की, लाला लाजपत राय ने शिवाजी महाराज की महत्ता पर एक पुस्तक लिखी है। और देखिए, जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने शिव जयंती के उत्सव के माध्यम से क्या किया, राष्ट्रीय जागृति की, मतलब अपने राष्ट्र को क्या किया, जागृत किया। और लाला लाजपत राय ने क्या किया है, शिवाजी महाराज की महत्ता पर एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तमिल काव्य के पितामह सुब्रमण्यम भारती ने शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों को संबोधित कर रहे हैं, इस प्रसंग की कल्पना कर काव्य रचना की है। और क्या नाम है इनका, देखिए, तमिल काव्य के पितामह सुब्रमण्यम, क्या किया इन्होंने कि ध्यान से इसको देखिएगा कि भारती ने क्या, शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों को क्या कर रहे हैं,
संबोधित कर रहे हैं, इस प्रसंग की कल्पना की है उन्होंने, ठीक है, मतलब इस प्रसंग की कल्पना करते हुए उन्होंने एक काव्य की रचना की है। और विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने शिवाजी महाराज पर एक दीर्घ कविता लिखी है, किसने लिखी है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। फिर वे शिवाजी महाराज द्वारा किए गए स्वराज्य साधना के प्रयासों की ओर महान लक्ष्य साधना के प्रयास के रूप में देखते हैं, ठीक है। सर जदुनाथ सरकार ने शिवाजी एंड हिज टाइम्स ग्रंथ में छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों का गौरव किया है, किसने किया है, सर जदुनाथ सरकार ने, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, ठीक है। उन्होंने जो शिवाजी महाराज के जो भी कार्य थे उन सब के बारे में उधर वर्णन किया है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिवाजी महाराज के विषय में कहा है, क्या कहा है, शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं थे अपितु वे संपूर्ण देश के थे, उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम था और मानवीय सद्गुणों के वे जीवंत प्रतीक थे। भारत की सभी भाषाओं में शिवाजी महाराज से प्रेरणा और आदर्श ग्रहण करने वाला साहित्य लिखा गया है, ठीक है। अभी तो हमने इन सभी के बारे में पढ़ा ना, किसी ने कोई ग्रंथ लिखा है, किसी ने कोई काव्य लिखा है, ये सभी किससे रिलेटेड है, छत्रपति शिवाजी महाराज से, ठीक है। शिवाजी महाराज के स्वराज्य कार्य की और स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित करने के यह प्रेरणा भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी रहेगी। शिवाजी महाराज महान राष्ट्रपुरुष थे और ये जो कार्य हैं किसके, शिवाजी महाराज के, ठीक है। कैसे उन्होंने क्या किया, स्वराज्य को स्थापित किया, ठीक है। तो ये जो भी इनके कार्य हैं, ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक आदर्श बनेगी। मतलब जब भी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं शिवाजी महाराज के बारे में सुनेंगी तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। शिवाजी महाराज क्या थे, महान राष्ट्रपुरुष थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो पाठ है ये पूरा कंप्लीट कर लिया है।